एक दिन मेरे घर बांके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना हो मेरे बांके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना रे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी, शहरों में जाऊं रे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
हरे कृष्णा। कौन बोलेगा? हाँ आज ये बच्चे लोग बोलेंगे। हाँ तुम बोलोगे ना? हाँ बोलो, क्या बोलोगे? माइक दे दो दोस्तों। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुंह में लगा था उसका। हाँ बोला। तो उसकी दुकान में बहुत भीड़ लगी रहती थी। सुबह सुबह स्टार्ट हो जाती थी, 5-7 बजे स्टार्ट हो जाती सुबह सुबह। हाँ बोला। तो एक दिन उसकी दुकान पे साधु आया। साधु ने पूछा, तुम भगवान का नाम भी लेते हो कभी? तुम इतना बिजी रहते हो, भगवान का नाम लिया करो। तो कहता है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, 5 मिनट का भी नहीं, 10 मिनट का भी नहीं, मैं क्या करूँ आप बताओ। तो कहता है कि खाना खाते हो? तो कहता है हाँ खाता हूँ। तो जब ले लिया करो? वो कहता है बस मुझे पता है मैं खाना कैसे खाता हूँ, जल्दी जल्दी सोते हो? तो कहता है बस मुझे पता है मैं कैसे होता हूँ। तो कहता है तहखाने में जाते हो? हाँ तो जाते हो गे? कहता है हाँ। तो जब जाते हो तो वहां ले करो ना, कहीं भी भगवान का नाम ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहता है जैसे आपने पैसे करता हूँ कल को। वो कल गया, उसने नाम लिया और राम राम करा उन्होंने। किस समय किस समय राम राम किया? जब जब हाँ हाँ बोलो। जब देखा हाँ तो ऊपर जहाँ राम जी का नाम हनुमान जी जब उड़ाते ऊपर से हनुमान जी जा रहे थे, उन्होंने देखा मेरा भगवान का नाम गंदी जगह लिया जा रहा है। तो वो गए, उन्होंने उसके पीठ पे बहुत जोर से लात मारी, मेरे भगवान का नाम ऐसे गंदी जगह। तो वो जाकर बहुत गिरता है। तो जब भी वो कहता है साधु तो कह रहे थे अच्छी जगह नाम लेना, नाम से लेना माते कहने में जाके, अरे हमारे लात मार रहे। तो मैं लेता नाम वाम, वो चला गया घर वो दुकान पे। तो जब हनुमान जी दरबार में जाते हैं, देखते हैं वहाँ पट बंद रहते हैं। तो वो लक्ष्मण जी से पूछते हैं ठाकुर को, ठाकुर जी कहाँ है? तो कहते हैं अंदर है। सीता जी वो उनकी पैर दबाते रहते हैं, वो देखते हैं कि क्या हुआ उनको। जब वो देखते हैं कपड़ा टाके उनकी चरणों का निशान रहता है उनकी कमर पे। तो वो देख के वो उन्हें मुतासर होता है, वे रोने लगते हैं कैसे हुआ। तो फिर वो कहते हैं जब तुम छोटे थे तुमने सूर्य को ग्रहण कर लिया था और तुमने पर्वत उठा लिया था, ये सोचो कि एक साधारण व्यक्ति को तेज तुमने लात मारी कैसे जी पाता। तो उसका दर्द जब वो नाम लेता था उसके अंदर था, वो दर्द मुझे हुआ। तो वो कहता है कि वो वापस जाता है तैली के पास, तैली से माफ मांगते हैं हनुमान जी और कहते हैं भगवान का नाम हम किसी भी जगह ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे जनार्दन का चेले हैं सब। ओम अज्ञान कबीरमस्य ज्ञानंजन सभाग्य चक्षुर्विदितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अज्ञानत विरांगस्य ज्ञानञ्जन सभाग्यं चक्षुरुनिदं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतस्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। भक्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिय। वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रणदेवि सत्यवताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसाद श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव ओम विष्णु पाद स्तोत्र श्री 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 राम कृष्ण स्वरूप गुरुदेव महाराज जी के श्री चरण स्मरण में अनंत गुरुदेव जन्म प्रणाम करता हूँ और यहाँ पे उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णव के श्री चरण स्मरण प्रणाम करता हूँ। कल गुरु जी कथा सुनाए थे यदु महाराज जी की, तो यदु महाराज जी के जीवन चरित्र में देखा जाता है कि वे कितने धर्मशील थे, तो और वो कितने धर्मशील थे जो भगवान भी उनके वंश में आए। तो जो यदु महाराज जी के पिताजी थे उनका नाम था यदि महाराज जी। यदि महाराज जी को श्राप था कि वह क्या, यदि महाराज जी को देवजानी को अभिशाप था किसी ब्राह्मण से, उसकी शादी नहीं हुई। तो उसकी शादी नहीं हुई तो वह किसके पास गए, वह शुक्राचार्य के पास गए। तो शुक्राचार्य जी ने उनको बोला कि यह तुम्हारा श्राप जब ही नष्ट होगा जब कि जो तुम्हारी जवानी किसी की जवानी को अपने को तुम्हें दे दे और तुम्हारा बुढ़ापा को खुल देंगे, वो ग्रहण करेंगे, तो तुम्हारा यह अपना जो यह श्राप है वो नष्ट हो जाएगा। तो यह सब सुनकर जो यदि महाराज जी थे वे अपने बड़े पुत्र के पास गए, तो उनसे बोला कि हे पुत्र, मैं आज तुमसे तुम्हारी जवानी लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक प्रश्न होता है कि पिताजी बात मानने के बाद पुत्र का कर्तव्य होता है, तो कर्तव्य होता है लेकिन उन्होंने कर्तव्य पालन नहीं किया, तो उन्होंने कर्तव्य पालन नहीं किया तो यदु महाराज जी बहुत क्रोधित हो गए और बोले क्या, जो पिताजी जब चले जाते हैं तो जो भी बड़ा पुत्र होता है वह उनका राज्य शासन करता है, तो जब यदि महाराज जी बहुत क्रोधित थे तो उन्होंने अपना राज्य शासन देने से मना कर दिया। तो यदु महाराज जी बहुत खुश हुए और बोले कि अभी मैं जब अपनी बचपना बुढ़ापा और जवानी सब ठाकुर जी को अर्पण करता हूँ। तो ये सब ठाकुर जी देखकर बहुत प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि ये राजा ने मुझे सब अर्पण कर दिया है, तो मैं इनके वंश में अंश रूप में आऊंगा और पूरे जो पूर्ण रूप में गोकुल में जन्म लूंगा। पांच साल पर तो क्या ललिता, तुम कुछ बोलोगे, कल तैयारी हो गया ना, ठीक है। हाँ गुरु तत्व पर बोलना, ठीक है। कल का क्लास कौन सुनाएगा, तुम नामदेव का कथा सुनाओगे ना, हाँ तुम्हारी कथा अधूरी रह गई, नामदेव का अभी सुनाओगे एक बाद में, कौन बोलेगा। हाँ तब कह, हाँ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया च
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे तब तक मैं अपने गुरुपाद ओम विष्णु गुरु महाराज जी के चरण में तो कल हमने गुरुदेव से सुना था दसवां स्कंध का जो शुरू किया था गुरुदेव ने, तो इसमें बता रहे हैं देव गोस्वामी बाद में किया गया ना, चार दिन तक कृष्ण कथा को बोले ही नहीं। अब जब कृष्ण कथा बोलने की बारी आया ये सुखदेव गोस्वामी किया कि ना एक ही श्लोक में पूरा का पूरा कृष्ण कथा को बड़े अच्छे तरीके में बता दिया। अब बता के चुप हो गए। अब इतने में परीक्षित महाराज को उत्कंठा को देख के, परीक्षित महाराज कितने कथा सुनने में लालायित थे, उनके जो कथा श्रवण करने का जो भाव को देख के उन्होंने फिर से किया गया कि जो श्रीमद् भागवत है इसमें 10 प्रकार के लक्षण है। अब इससे जो मूल लक्षण कविश्वास चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि आश्रय तत्व है। अब हमारा आश्रय तत्व क्या है ना, हमारा आश्रय तत्व है ठाकुर जी के चरण कमल और ठाकुर जी के कथा, कृष्ण कथा ही हमारा आश्रय तत्व है। अब कृष्ण कथा में ही आश्रय तत्व है, तो इसीलिए इस स्कंद को जो दसम स्कंद को यहाँ पे आश्रय तत्व बताया गया है। और बोल रहे हैं कि जो भागवत जी में जो 12 स्कंदे हैं, जो द्वादश स्कंदे है, वो भगवान से अभिन्न है, भगवान का वाङ्मय स्वरूप है। बता रहे हैं कि पादो यदि प्रथम द्वितीय तृतीय तवे कथित यदु नाभि तथा पंचम एव षष्ठ भिदान्तरजु गल तथा कंठस्थ राजन नवम यदि मुखारविंद दशम प्रकुल्य एकादश जत ललाट पट चिरो कपितुं गालशेव भाति। कि भगवान के जो द्वादश अंग है ये क्या है ना, शास्त्र में बताया गया कि भगवान का जो भागवत जी में 12 स्कंद है ये भगवान का अंग ही है, द्वादश अंग के समान है और साक्षात भगवान ही है। इसीलिए बोलते हैं कलो अष्ट कलो दुष्ट तथा में से पुराना अर्थ अधिनेता, जब कलिकाल में धर्म उठ जाता है तो भगवान स्वयं क्या करते हैं ना, माया मुग्ध जीवे ने स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवे ने कृपा करते हैं कृष्ण वेद पुराण। माया मुग्ध जीव को कृपा करने के लिए स्वयं भगवान ही क्या करते हैं, वेद पुराण श्रीमद भागवत के रूप में जगत में प्रकटित होते हैं। अब गुरुदेव ने 3 प्रकार के कृष्ण के बारे में थोड़ा सा वर्णन किया था। तो सबसे पहले द्वारिका कृष्ण, मथुरा कृष्ण और ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। जो द्वारिका कृष्ण है वो क्या है ना, पूर्ण है, और जो मथुरा के कृष्ण वो क्या है ना, पूर्णतम, और जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर वो क्या है ना, पूर्णतम, पूर्ण पूर्णतम और पूर्णतम। इनका तारतम्य देखने में जाएंगे तो जो द्वारिका कृष्ण उनको क्या करते हैं, द्वारिका में जितने भी महिषीगण जितने भी कृष्ण के जो पटराणीगण कौन रुक्मणी सत्यभामा जाम्बवती आदि ये सब क्या करते हैं ना, कृष्ण को ऐश्वर्य दृष्टि में देखते हैं। यहाँ का पूरा ऐश्वर्य भाव ही कृष्ण को यहाँ पे क्या करते हैं ना, अपने पति के रूप में देखते हैं। और कृष्ण के जितने भी बेटे हैं और जितने भी बेटी हैं सब प्रद्युम्न अनिरुद्ध इत्यादि सब इनको अपने पिता के रूप में देख के ऐश्वर्य भावना करते हैं, इनको प्रणाम करते हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं कि मथुरा में क्या करते हैं ना, कृष्ण को थोड़ा ऐश्वर्य मिश्रित माधुर्य के रूप में देखते हैं। यहाँ पे कृष्ण को क्या करते हैं, ऐश्वर्य भाव तो है ही है लेकिन माधुर्य भाव है। जैसे यहाँ पे कृष्ण को क्या करते हैं ना, नंद बाबा देवकी और वसुदेव को ये बेटा मानते हैं, इसीलिए इनको क्या करते हैं ना, पुत्र के रूप में जैसे पाल्य भाव के रूप में देखते हैं। लेकिन ब्रज में क्या होता है, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर वहां पे कोई भगवान नहीं मानता। जैसे बता रहे हैं कि वहां पे जितने भी सखागण है जितने भी उन गोपियोंगण है, गोपियों के चरण में कृष्ण खुद गिर जाते हैं। सखागण खुद बोलते हैं कि अरे हम तो खुद तेरे साथ कुश्ती लड़ते हैं, और कुश्ती में तू हार जाता है, भगवान कोई हारता है क्या, हाँ भगवान तो कोई हारते नहीं।
चतुर्भुज रूप कृष्ण को और कृष्ण को जो गरुड़ारोही भगवान को देखते हुए सरकार लोग क्या बोलते हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। लेकिन अर्जुन बस चतुर्भुज रूप पूरा विश्व रूप को देखने के बाद स्तुति करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान नहीं मानते। यहाँ पे जब कारागार में देवकी ने चतुर्भुज देवकी ने क्या किया, वहां पे भगवान को प्रणाम किया, वसुदेव जी ने भगवान को प्रणाम किया कारागार में, लेकिन नंद बाबा यशोमती माँ कभी कृष्ण को प्रणाम नहीं करते, उल्टा डांट लगा देते। अब यहाँ पे कृष्ण महिषी गण से छुप छुप के मिलना और महिषी गण से जितने भी उनके पत्नी है उनसे छुप छुप के मिलने की बात ही नहीं, वहाँ के सब के सब अपने पत्नी है और वहाँ पे विशेष रूप में मान होता है, कभी कभी वो सत्य भवना कभी कभी मान कर लेते हैं। तो जब ठाकुर जी बोलते हैं अरे हटाओ ये शक्रादित्य करने को, बस तब क्या होता है सत्य भवना पूरा का पूरा अपने स्वरूप में आ जाता है, बोलते हैं हाँ अरे नहीं प्रभु मेरा गलती हो गया अब मुझे क्षमा कर। लेकिन ब्रज में जब गोपियों के साथ कृष्ण क्या करते हैं कि बोलते हैं कि इधर से भाग जाओ, तो गोपी लोग बोलते हैं अरे तुम हमको अमक देते हो, तुम हमको साड़ी खरीद के देते हो, ये देते हो क्या, तुम्हारा क्या अधिकार है, पूरा का पूरा डांट लगा देते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि पूर्ण पूर्णतर और पूर्णतम जो द्वारिका कृष्ण उसमें पूर्ण रूप में सज्ज है और जो क्या है और ना जो मथुरा के कृष्ण उनमें क्या है ना असज्ज मिश्रित थोड़ा थोड़ा माधुर्य है, लेकिन जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर उसमें उनमें क्या है ना पूर्ण रूप में माधुर्य उनमें ऐश्वर्य होने पर भी वो ऐश्वर्य क्या होता है ना ढक जाता है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो परीक्षित महाराज यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी एक और श्लोक में बता रहे हैं कि जदश्य धर्मशीलश्च नितराम मुनिषत्तमं तत्रा अंशेन अवतीर्णश्च विष्णु विज्ञाने संशयः। और इससे पहले बताए कथितो वंश विस्तार के परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि ये कौन से वंश में आए, कैसे आए इनका, ये तो सूर्य वंश और चंद्र वंश, सूर्य वंश और चंद्र वंश में बहुत सारे वीर आए, बहुत सारे जो चरित्र आते हैं सूर्य वंश में, जैसे भगीरथ महाराज, रघु महाराज, बहुत सारे आए, लेकिन सबसे जो मधुरपूर्ण बात है वो किनका है ना श्री राम जी का। वैसे चंद्र वंश में सबसे मधुरपूर्ण बात क्या है ना कृष्ण जी के चरित्र, सर्वश्रेष्ठ जो माधुर्य युक्त लीला के चरित्र है वो हमारे ठाकुर जी कृष्ण का ही है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जदुपुर में क्यों आए, जदुश्य धर्मशील नितराम मुनि सत्तम, ये जदु महाराज कौन है ना, ये धर्मशील है और ये मुनि में उत्तम है। यहाँ पे बता रहे हैं ये मुनि में उत्तम कैसे है, क्योंकि इन्होंने इनके पिता के बारे में अगर पता चलेगा तो इनके पिता क्या करते थे ना देवजान के साथ बहुत देर के बाद भी इन्होंने संग करने का इच्छा रखते थे। तो ये मुनि जो जदु महाराज कैसे मुनि उत्तम है, इनके चरित्र हमने कल गुरुदेव से सुना था कि इन्होंने किस प्रकार के, इन्होंने जदु महाराज जी ने उनके पिता जजाति महाराज और किस प्रकार से शुक्राचार्य ने बेटी को जिस समय एक कुएं पे पड़े हुए थे उस समय पे क्या हुआ, इन्होंने वन में नमन करते करते हुए वहां पे क्या किया ना उनको हाथ को पकड़ के उठा ले। अब देवजान में बोल रहे हैं कि पहले जमाने में कोई अगर स्त्री को, कोई अगर जो लड़की हो, राजकन्या हो या कोई भी हो, उनको अगर हाथ पकड़ ले कोई पुरुष तो उनको शादी करना पड़ता था। तो उन्होंने बोला कि आपने मेरे हाथ पकड़ा है और आपको मुझे शादी करना पड़ेगा। तो इतने में क्या हुआ, उन्होंने सब चरित्र सुना, ये तो बहुत बड़ा विस्तृत चरित्र है, गुरुदेव ज्यादा समय नहीं रहेंगे, गुरुदेव से श्रवण करना है, हम कल सुनेंगे ये चरित्र को। तो उसके बाद क्या हुआ, जब शुक्राचार्य ने उनको अभिशाप दे दिया किसको, जजाति महाराज को, कि आप वृद्ध तो हो जाओ, तब उन्होंने जदु महाराज जी के पास जाते हैं और जदु महाराज जी से अपने क्या करते हैं ना जो आदान प्रदान, अपने उनको जदु महाराज से अपने जौवन को मांग के अपने वृद्धत्व को जदु महाराज को देने चाहते हैं। लेकिन उन्होंने भजन करने के लिए, एक तो उन्होंने भजन सील है इसलिए ये मनुष्य शरीर भजन के लिए ही प्राप्त हुआ है, इसे व्यर्थ काम के लिए हम नहीं गवाए इसी बात से नहीं दिया। और दूसरा भाव है कौन ना, ना देवजानी उनके माता है, अब ये इनका जौवन लेके उनके माता के साथ संग करना चाहते हैं, तो इसी भाव से भी उन्होंने नहीं दिया, दो कारण। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके छोटे पुत्र गुरु उन्होंने क्या किया ना, अपने वृद्धत्व को पिताजी के वृद्धत्व को खुद ग्रहण करके अपने जौवनता को पिताजी को दे दी। तो ऐसे चरित्र है। तो कुछ समय बाद फिर क्या करते हैं, जो मनुष्य जीवन का सार्थकता को जदु महाराज
जजाति महाराज जान के फिर क्या करते हैं, गुरु को अदन फिर से दे देते हैं, अपने जो जौवन को फिर से गुरु महाराज को दे देते हैं और उनसे फिर से क्या करते हैं ना, अपने बाधक्य को लेके वन में जाके भजन करते हैं। लास्ट में उन्होंने एक अनुभूति की बात बताई, बोले न जाति काम कामो पन्न भोगन संगत, बहुत अच्छी बात बताई। अगर कोई व्यक्ति सोचे हम ये संसार का विषय को भोग करते 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 जब संपूर्ण मेरी निवृत्ति हो जाएगा फिर तो हम भगवान की भजन कर लेंगे, उन्होंने अपना अनुभूति की बात बताई। बोले देखो जब तक मेरी जवानी थी हैं, मैंने तो ये संसार का विषय भोगा, फिर बेटा का जवानी लेकर के फिर मैंने विषय भोगा, लेकिन मैंने जितना विषय भोग कर रहा था मेरी तृप्ति नहीं हो रही थी। उन्होंने बताया न जात काम कामाप भोगन सम्यते, काम को भोग करते करते अगर कोई सोचे नहीं हमारी कामना वासना खत्म हो जाए, बोले नहीं। उदाहरण हबीसा बरते है भाई, जैसे आग में घी डालने पर वो आग कभी बुझती नहीं, आग क्या होता है धधकती है, आग धधकती है। इसलिए भले ही शरीर बुढ़ापा हो जाए लेकिन जो मन है ना ये कभी बुढ़ापा नहीं होता है। इसलिए लास्ट में उन्होंने अपना अनुभूति की बात बताई, बोले भैया विषय भोग करते करते किसी की भी संसार से निवृत्ति नहीं होगी, इसलिए क्या करो, बोले प्रवृत्ति रेसा भूता नाम निवृत्तस्तु महाफला। इसलिए जो प्रवृत्ति भोग मार्ग से निवृत्ति मार्ग अच्छा मार्ग है, इसलिए जितना दूर हो सके अपना इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए भगवान की भक्ति करो, भगवान की भजन करनी चाहिए। उन्होंने लास्ट में उन्होंने अपना ये अनुभूति की बात हम दुनिया को बताए और बता करके बोले क्या करो कि जो जीवन मिला है बड़े भाग्य से मिला है, ठाकुर जी बारंबार ये मानव शरीर नहीं देते, इसलिए क्या करो तृणम, तृणम मतलब होता है जितना जल्दी से जल्दी हो प्रभु का भजन करना शुरू कर दो। कोई कहते ना अरे अभी तो विषय भोग कर लो हाँ, जब रिटायर्ड लाइफ हो जाएगा एक दो माला सटका लेंगे, अभी से भगवान की भक्ति करने का क्या जरूरत है। लेकिन कहते नहीं तृणम, इसलिए कल कर सो आज करो और आज कर सो अब, इसलिए पल में प्रलय होगी बहुरी रहेगी कब, इसलिए जितना जल्दी पारा प्रभु की भजन में लग पड़ो। ये अपना अनुभूति की बात उन्होंने खुद बताए हैं। और लेकिन हम क्या कहते हैं आज कर सो कल करो और कल कर सो परसो, जल्दी जल्दी क्या करते हो पढ़ा रहा है बरसो, इतना जल्दी जल्दी क्या कर रहे हो हैं, ये जीवन क्या नष्ट हो रहा है, इसलिए भजन इतना लेट। लेकिन शास्त्र क्या कहता है नहीं, जितना जल्दी जल्दी पार भगवान की भक्ति में लग जाओ। हाँ बोला हरे कृष्ण आ जाओ, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, बार बोलो बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ये ले कल हम लोग श्री नामदेव का चरित्र को सुन रहे थे और सुनते सुनते थोड़ी सी बाकी रह गया है, और नामदेव का जो माता जी कह रही थी हम नामदेव की कथा सुनने को कल आई नहीं, आज आ गई ना, आज आइए कहाँ है और ये बैठी है हाँ, ये ले कल तो आपकी कथा छूट गई, आज आज सुन लो। हाँ बोलो ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन धीरे धीरे तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय श्रीयात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी दिनामिने। मैं सबसे पहले अपने गुरु पाद पद्म पूज्य पाद भक्ति वेदांत श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में बार बार दंडवत करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव पूज्यपाद श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णविया आप सभी को मैं बार बार वंदन करता हूँ। कल हम लोगों ने भगवत कृपा से श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार श्री नामदेव जी का चरित्र कुछ अंशों में श्रवण किया था। कल हम लोगों ने कहां तक श्रवण कर लिया था को सुना तो होगा, होगा ही आप लोगों ने, बता दो कोई उपास नहीं,
ठाकुर जी को देख रहे हैं, है ना, सुबह सुबह उठाने के लिए आए हैं। फूलो ना समावे नाम देव अति हरेशहिया, ना नहाय धोय तिलक छाप माला मुद्रा धारी के, पूजा की सामग्री लेके पहुंचे जब मंदिर माही, तो सुध बुध गई छवि हर की निहार के। ठाकुर जी को देखा, नामदेव जी ने देख करके, ओ हो महाराज इतने सुंदर ठाकुर जी लग रहे हैं, सुध बुध खो दी उन्होंने तो, और उनको जगाया है, प्रभु उठ जाओ। उठाने के बाद दिव्य श्रृंगार उनका किया है स्नान आदि के पश्चात, और फिर उनको भोग लगाया है ठाकुर जी को। श्री भक्तमाल के जो टीकाकार है श्री प्रियादास जी, जो कि हमारी श्री गौड़िया संप्रदाय से ही है, देखिए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के नाती चेला है ये श्री प्रियादास जी, जिन्होंने भक्तमाल पर टीका लिखी है, तो उनके शब्द हैं, चलो प्रभु पास ले कटोरा छवि रास तामे, दूध सो सुबास मध्य मिश्री मिलाय के, हिय में हुलास निज अज्ञता को त्रास, एपे करे जो पैदास मोहि महा सुखदाय के, ऐसे दिन बीते दोय राखी ही बात गोय, रहो निसी सोय एपे नींद नहीं आवही, भयो जो सवेरो फिरी वैसे ही सुधार लियो, हियो कियो गाढ़ो जाय धर्यो दियो भावरी, बार बार पीवो कबु अब तुम पीवो नाही, आवे भोर नाना गरे छुरी दे दिखावही, गही लीनो कर जीनी करे ऐसो पीवे मैं तो, पीवो को लगाई नेक राखो सदा पावे। मिश्री में मिला, दूध में मिश्री मिलाई, धरा ठाकुर जी के सामने, रखा ठाकुर जी के सामने, ठाकुर जी पी लो, ठाकुर जी पी लो। अब ठाकुर जी तो पी नहीं गए हैं, अब नाना जी बोल के गए हैं कि ठाकुर जी को भोग लगाना भैया, उससे पहले मत पाना। क्या करते नामदेव जी, ये पी क्यों नहीं रहे, समझ में नहीं आ रहा, कभी बार बार मिश्री लाएगी, कहीं शायद कम हो गई होगी मिश्री, तो और मिला दे, तो और मिला देते मिश्री, फिर भाग के जाते शायद केसर नहीं है, केसर डाल देता हूँ, केसर डालते, फिर केसर डालते कि केसर मिला दू, फिर केसर मिलाते, फिर उसके बाद केसर मिलाने के बाद भी नहीं, फिर उसके बाद सोचे शायद ज्यादा हो गई होगी मिश्री, वापस से दूध हटाते, फिर उसके बाद रखते, ऐसे करते करते दो दिन हो गए महाराज, ना इन्होंने कुछ पाया ना इन्होंने कुछ पाया, बार बार सोते समय भी सोच रहे हैं ऐसी क्या भूल हो गई, क्या भूल हो गई, नाना जी आ जाएंगे तो सेवा छीन लेंगे मुझसे अगर इन्होंने नहीं पाया तो। तीसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन क्या हुआ, अब की बार गए, ठाकुर जी पी लो, ठाकुर जी पी लो, अब नहीं तो क्या किया इन्होंने, छुरी ले आए, छुरी लेकर के गले पे जैसे ही रखी, कहा अगर तुमने नहीं पिया तो मैं अब देख लो छुरी से गला काट दूंगा, दृढ़ विचार उरान के छुरी ले उठाय, अद्भुत निष्ठा निरख के गोपीनाथ प्रगटाय, जैसे ही छुरी रखी साक्षात श्री गोपीनाथ जी उधर स्वयं श्री विठल भगवान प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया एक हाथ से इनकी छुरी को पकड़ लिया, एक हाथ से इनका हाथ पकड़ लिया, एक हाथ से कटोरा लिया दूध का, एक हाथ ते हाथ गई और दूजे ते कही पात्र, और गटगट प्रभु पीवन लगे पुलकित शिशु के गात, जैसे ही महाराज हाथ पकड़ा एक हाथ से पीने लग गए, गटागट भगवान खींचे जा रहे हैं दूध को, ये देख रहे मेरे लिए तो छोड़ ही नहीं रहे, छोड़ ही नहीं रहे, उन्होंने गाया है, अब ना और तरसाओ रसिया रुचि रुचि हो।
प्रभु देखो आप ही सारा पी जाओगे, मैं भी तो दो दिन से भूखा हूं, कुछ तो छोड़ दो। ध्यान गयो ना मां को, तब बोले हरि सो, थोड़ी सी प्रसादी या में मेरे लिए राखिए। नाना जी तो नित्य दियो करते प्रसाद दूध, आवे कल गेह तो भराऊं उन पे साखिए। नाना जी तो रोज मुझे दूध देते थे आपका प्रसादी, और आप सारा ही घटाघट दिए जा रहे हो, अरे कुछ तो छोड़ दो मेरे लिए। तो ठाकुर जी ने क्या किया, कहा नामदेव जी ने, पहले तो आपने पिया नहीं। अरे पहले दो दिन तो पिए नहीं, कहा सोच मन माही, और पीवन लगे आज तो अकेले अभिलाखिए। मैं हूं दिन तीन से, कुछ खायो पियो ना ही कछु, तो भूख मोही लागी आते मिल जुल चाखिए। अरे मैंने भी तो नहीं पाया दो दिन से, कुछ तीसरा दिन है यार, कम से कम मेरे लिए तो छोड़ दो। तो ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, खुद भी पी रहे हैं और श्री नामदेव छोटे से बच्चे को भी पिला रहे हैं, खुद पी रहे हैं नामदेव जी को भी पिला रहे हैं। और महाराज नामदेव जी कृतार्थ हो गए। नाना जी आए कुछ अगले दिन, नाना जी आ गए। अब नाना जी आए, नाना जी ने पूछा, हाँ भैया कैसी सेवा चल रही है, ठाकुर जी को भोग भोग लगाया, सब कुछ ठीक था ना। हाँ हाँ नाना जी, ठाकुर जी को भोग, पहले तो दो दिन तक नखरे दिखा रहे थे, पी नहीं रहे थे, पर मैंने छुरा उठाया लगाया गले में, तो ये तो डर गए, और डरते ही बोले कि अरे तुरंत प्रकट होकर के दूध पिए, और नाना जी ऐसे भूखड़ कि धड़ाधड़ घटाघट पीने लग रहे और मेरे लिए छोड़ रहे। मैंने कहा कि तुम तो भूखे हो, मैं भी तो भूखा हूं, तब मेरे को भी पिलाया, खुद भी पिया है इन्होंने। नाना जी ने कहा ये तो पागल हो गया लगता है। आए वामदेव तब पूछो नामदेव ते, ये करे बकवास छोरा कहत वामदेव ने, पर कहे नामदेव बकवाद नहीं नाना जीए, कहो तो दिखाऊं दूध अब ही पिवाए। कहा नाना जी ये बकवास नहीं कर रहा, अभी दिखा देता हूं दूध पिला के। तो क्या किया वामदेव जी के सामने, क्या किया वामदेव जी से, कहा कल सुबह आप पर्दे के पीछे खड़े हो जाना, तो मैं पिलाऊंगा देखना उनको दूध। अगले दिन वही हुई, ठाकुर जी के सामने दूध का भरा कटोरा लेके गए, मिश्री विश्री मिला करके बिल्कुल तैयार, और जाकर के कहा, पर्दा किया थोड़ी देर में, ठाकुर जी पी लो, ठाकुर जी आरोग लो, ठाकुर जी पी लो। अब ठाकुर जी की तो लीला नहीं पी रहे वो तो दोबारे। अब नामदेव यानी तो बेइज्जती सी हो जाएगी, नाना जी ठाकुर जी छीन लेंगे मुझसे सेवा, छीन लेंगे क्या करूं। तो अब क्या करे बेचारे, थोड़ा दोबारे छुरा ले आए, चूरा लेके कह रहे अभी काट रहा हूं गर्दन, नहीं तो पी लो चुपचाप से, अभी काट रहा हूं गर्दन। तो ठाकुर जी ने जैसे चूरा लगाया तुरंत ठाकुर जी तुरंत फिर प्रकट हो गए। करके दिखायो पियो भक्त मन भायो, नाना ना, नाना वामदेव रोए नैन निरख निरख के। जैसे ही देखा तो नाना जी रोने लगे, ओह क्या क्या भक्त वत्सलता प्रभु की है, देखा पी रहे हैं दूध, और नाना जी की नेत्रों से अश्रु बिंदु बह रहे, रोने लग गए वामदेव। धन्य महाराष्ट्र पंडरपुरे सो भक्त पाएगे, और धन्य भई जननी सपूत सो जाएगे। ओहो महाराज रोने लग गए कि धन्य है महाराष्ट्र जिन्होंने ऐसे भक्त को प्रकट कर दिया, और इनकी जननी धन्य है जिन्होंने ऐसे भक्त को जना है। इस कारण से कुछ दिन बाद महाराज कीर्तन करते करते इनके नाना जी का शरीर शांत हो गया।
एक बार क्या हुआ, श्री नामदेव जी नए जूते लेकर के आए। अब नए जूते लेकर के आए तो नामदेव जी ने क्या किया, कई दिन हो गए थे श्री विठल प्रभु के दर्शन नहीं किए थे इन्होंने, काफी दिन हो गए थे व्यस्तता में। तो क्या किया, सोचे अगर मैं बाहर निकाल दूं जूते तो कोई ले जाएगा महाराज। तो क्या किया, फेंट कस ली अपने कमर में, जूते दबा लिए और फेंट कस ली। अब फेंट कसी और गए अंदर, गए अंदर, गए तो कीर्तन करने लग गए। और कीर्तन करते करते उसी समय महाराज श्री क्या नाम है कबीर जी भी आ गए और देखा तो कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन करते करते इतना आवेश हुआ इनको कि वो फेंट ढीली पड़ गई और जूते नीचे गिर गए। अब पंडों ने देखा महाराज, अरे जूते पहन करके भीतर घुस आए, जूते पहनकर इनकी जो धुलाई करी इनकी। ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष होकर के पहले तो कहा नामा आज तो कुछ कीर्तन सुना दे, कितने दिन हो गए कीर्तन नहीं गाया, सुना है। तब ये गाने लग गए उछल उछल के कीर्तन करते करते तो फेंट ढीली पड़ गई। फेंट ढीली पड़ते ही वो जूते नीचे गिर गए। गिरते ही जो पंडे हैं जो इनकी पटाई करी। फिर उसके बाद क्या महाराज, बिना खेद मंदिर के सामने लगावे गुन, वहां फटकारे मन करके मलीन जू। आए श्री कबीर और बोले पिछवारे चलो, वही गुन गावे यहां बैठेंगे कुलीन जू। दो भक्त राज पिछवारे गए भाज, हो के ठाकुर पे नाराज दे उल्हाने बीन तीन जू। महाराज कहा जब खूब पिटाई हो गई तो फिर ये सोचे कि चलो बाहर गा लेते हैं कीर्तन, बाहर आए मंदिर के बाहर, वहां पे भी कीर्तन का स्वर अंदर पंडों के कान में, फिर दोबारा आएंगी फिर सुताई करी। महाराज फिर इनको कहा कि चले जाओ यहां से। अब ये बोले ठाकुर जी आपने कीर्तन गवाया है और आपने पिटाई भी करा दी, बहुत बढ़िया, अब मैं नहीं गाऊंगा कीर्तन, अब मैं ना आपके दर्शन करूंगा, मैं तो पीछे जा रहा हूं। गाली देने लगे, ठाकुर जी को ऊट पटांग सुनाने लगे। अरे शबरी थारी लागे काकी, हसी झूठन खाई ताकी। शबरी जी तुम्हारी काकी लगती थी, उनकी तो झूठा खा लिया। विदुरानी थारी लागे ताई, केले को छिलका भोग लगाई। तुम्हारी ताई लगती होगी है ना वो विदुरानी, उसका झूठा तो तुमने खा लिया केले के। गोपी थारी लागे मौसी, माखन चोरी करत अति दोसी। गोपी तुम्हारी मौसी लगती होगी, उनका तो माखन चुरा चुरा के खा लिया तुमने। सुदामा थारो लागे बाप, कच्चा चिड़वा खा गए आप। सुदामा तेरे बाप लगते होंगे, उनका तो कच्चा चिड़वा तुम दड़ादड़ खा गए और हमारा कीर्तन गाना तुमसे सहन नहीं हो रहा ना। तो ठाकुर जी ने क्या किया, ठाकुर जी गाली स्तुति सुन करके बेचारे पक गए, अब गाली सुन करके आनंदित हो रहे हैं ठाकुर जी। तो क्या किया ठाकुर जी ने कहा नामदेव बोले आपने तो पिटवा दिया, अब नहीं गाऊंगा कीर्तन। तो पिछवाड़े चले गए मंदिर के। जब पिछवाड़े जाकर के फिर नामदेव जी को और कबीर जी को याद आई, अरे थोड़ा कीर्तन कर लेते। तो जहां पिछवाड़े जाकर के कीर्तन किया तो ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी, मंदिर ही घुमा दिया महाराज, पूरा मंदिर घुमा दिया पिछवाड़े की तरफ। गर्भगृह ही आगे की तरफ सरक गया और जैसे गर्भगृह आगे की तरफ पूरा मंदिर घूम गया। और जगह आप कहीं भी जाकर के देख लो, मंदिर जो है जिस दिशा में होना चाहिए वहां है, लेकिन केवल और केवल पंढरपुर के अंदर जो श्री विठलनाथ भगवान का मंदिर है दक्षिणी महाराष्ट्र के अंदर। तो क्यों, ठाकुर जी ने घुमा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो ठीक है, तो फिर जैसे ही पिछवाड़े गए तो फिर दिख गए ठाकुर जी, फिर सामने नामदेव देख रहे तो आ गए यहाँ पे। तो ठाकुर जी ने कहा, मन किया ठाकुर जी को आलिंगन करने का, तो नामा गाया, आजा रे कन्हैया वंशी बारे तुम बिन कौन करती, आजा रे कन्हैया वंशी बारे तुम बिन कौन।
अब मंदिर को घुमा दिया, अब ठाकुर जी की कमर में हुआ दर्द, क्योंकि मंदिर घुमा दिया तो कमर में दर्द हुआ, तो अब ठाकुर जी को अपनी कमर जो है वो ठीक करानी थी। अब ठीक कराने के लिए मसकवानी थी अपनी कमर, तो एक भक्त और है महाराष्ट्र में, उनके यहाँ चले गए। श्री राका बाका जी हुए हैं भक्त महाराष्ट्र के, उनकी बेटी है श्री भागवती जी, उनके पास गए और जाकर के कहा, नेक कमर दबाए तेरी मोको पीर बड़ी, नेक कमर दबाए आभूषण वगैरह बनाते थे। तो एक दिन जो ठाकुर श्री विठ्ठलनाथ भगवान के जो पार्षद जो वहां सेवी सेवक सेवा करते हैं, उन्होंने इनको बुलाया कि सुना, अच्छा ये क्या करते थे, इनकी निष्ठा जो है वो शिव जी में थी, ये विठ्ठलनाथ प्रभु के दर्शन नहीं करने जाते, यद्यपि पंढरपुर में ही रहते थे, यद्यपि ये पंढरपुर में ही रहते थे परंतु ये विठ्ठलनाथ प्रभु के दर्शन नहीं करने जाते थे। अतिशय अनन्य नर हरि सुनार, अस कट्टर शंभु उपासी दर्शन न करत विठल के, यद्यपि पंढरपुर के वासी। अतिशय अनन्य नर हरि सुनार, अस कट्टर शंभु उपासी दर्शन न करत विठल के, यद्यपि पंढरपुर के वासी। अब ये शंकर जी का ही केवल करते थे, लेकिन अपनी रोजी रोटी अपने पेट के लिए तो सबके ही आभूषण बनाने होते थे, तो इनको कहा कि आप विठल नाथ जी के जो है आभूषण बना दीजिए। अब ये तो जाते नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया, पट्टी, कहा मैं बना दूंगा, साइज लेने के लिए तो चल लूंगा, लेकिन मैं आंख में पट्टी बांध के जाऊंगा, मैं नहीं देखूंगा विठल नाथ जी को। तो पट्टी बांधी, पट्टी बांध करके गए विठलनाथ जी के। अब ठाकुर जी, तो ठाकुर जी, अरे तू शिव जी और मुझ में मेरे ही अंश है, मुझसे ही प्रादुर्भूत है शिव जी, तो भेद करता है ऐसे, ऐसा करता रहे तू। तो ठाकुर जी ने लीला करी, कैसे, क्या किया ठाकुर जी ने करी, पट्टी बांधी नेत्रों पे, और साइज लेने पहुंच गए ठाकुर जी का, कमर की कौंधनी सब बनानी थी। अब जैसे ही उनको हाथ लगाया विठ्ठलनाथ प्रभु को, तो पट्टी बांधी नेत्रन पे नरहरि मंदिर में आयो, नाप्यो लगे कमर तहां बाघंबर लखी चकरायो। हाथ लगा रहे हैं विठ्ठलनाथ प्रभु को, देखा अरे ये तो बाघंबर पहने हुए हैं, बाघंबर तो मेरे शिवजी पहनते हैं। हाथ लगाया फिर देखा ये, लेकिन ये तो लाए तो विठ्ठलनाथ प्रभु के यहां मुझे, लेकिन ये बाघंबर ना पहन रखा है। अति अति उत्कंठित जिज्ञासावश अब इत उत हाथ बढ़ायो, इधर उधर देखा, देख तो लू ऊपर नीचे, तो हाथ पट्टी बन रही थी तो हाथ उत देखा, इधर उधर लगा करके देखा, तो मुंडमाल डमरू त्रिशूल सिर जटा जूट सिर धायो। अरे ये तो हमारे शिव जी है, ये तो विठ्ठलनाथ थोड़ी है, ये तो शिव जी है। कैसे पता चला, छल कत कंग भुजंग अंग सोई समझे शिव कैलाशी, दर्शन न करत विठल के यद्यपि पंढरपुर के वासी। अतिशय अनन्य नर हरि सुनार, अस कट्टर शंभु उपासी दर्शन न करत विठल के यद्यपि पंढरपुर के वासी।
अरे इनकी तो जटा झूठ है, गंगा जी प्रवाहित हो रही है, ये सभी तो शिव जी हैं। जैसे ही देखा शिव जी हैं, तुरंत अपनी आंख की पट्टी खोली और जैसे ही पट्टी खोली तो देखा साक्षात हाथ धरे श्री विठ्ठलनाथ प्रभु विराजमान है। अरे धोखा हो गया मेरे साथ, धोखा हो गया। निश्चय भयो मन ही मन, ये तो मेरे प्रभु शिव शंकर, भेद भाव क्यों राखू निरखू, क्यों ना इनको नयन भर। पट्टी खोली निहारी को, विठल कर धरे कमर पर। ओहो देखा पट्टी खोल रखी है, विठल प्रभु खड़े हैं। तो क्या हुआ, जैसे ही हो गया तो बोले अरे ये तो धोखा हो गया मेरे साथ, धोखा हो गया, धोखा हो गया। अरे यह अनुभव कैसो, ये कैसी भरी है लीला, प्रगटे हरि हर रूप हृदय में, ठाकुर परम रसीला। इनके हृदय में आधे शिव और आधे हरि प्रकट हो गए, हरि हर रूप इनके हृदय में प्रकट हो गया। नयन मूंद के निरखू तो दिखे शंकर सुखशीला, और निरखू आंखें खोल के दिखे विठल अजब रंगीला। नयन मूंद कर रखे थे पट्टी में तब तो शिव दिख रहे, शिव समझ गया था, और आंख खोली तो साक्षात विठल जी दिखे। जैसे ये दिखा कि ये तो नर, ये तो हरिहर स्वरूप है, इनका अज्ञान खत्म हो गया। भेद भाव सब भाग्यो, मुकरित ही की कली निकासी, दर्शन न करत विठल के यद्यपि पंढरपुर के वासी। अतिशय अनन्य नर हरि सुनार, अस कट्टर शंभु उपासी, दर्शन न करत विठल के यद्यपि पंढरपुर के वासी। उनको ज्ञात हो गया कि प्रत्यक्ष जो प्रभु है वो तो श्री विठल नाथ जी है, इसलिए हम तब से वे उनकी शरणापन्न हो गए। ये छोटी सी कथा है, थोड़ी कुछ अंश आज भी नामदेव जी का चरित्र पूरा तो नहीं, तो और एक चौथाई भी नहीं हुआ। इन्हीं सभी शब्दों के साथ से वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, हरे कृष्ण। बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण I'm not afraid.
बोले श्री गुरुदेव की जय, प्रभुपाद की जय, जय श्री राधे कृष्ण। हाँ, हम लोग गत कल्ला श्रवण कर रहे थे। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले जदोस धर्मशीलस्य नितरान मुनि सतम तत्रांसेन अवतीर्णस्य विष्णुर्भिर्जानी संसन। इसलिए श्री जदु वंश में भगवान जन्म हुए। क्यों? जदु कौन है? कहते हैं धर्मशील। धर्मशील क्यों? कारण है, उन्होंने अपना जवानी अपना पिता को उन्होंने नहीं दिया। हाँ, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, सही से परम बंधु सही पिता माता श्री कृष्ण चरण जयी प्रेम भक्ति दाता। कहते वही असली पिता है, वही असली माँ है, वही असली भाई बंधु है। कौन है? जो हमें भगवान की चरण में भक्ति के मार्ग दिखाए, भगवान का चरण हमें दर्शन कराए, वही वास्तव रूप में पिता माता है। इसलिए उन्होंने पिताजी का आदेश को पालन नहीं करते हुए अपना जवानी उन्होंने भगवान की भक्ति में भजन में लगाए, और पिताजी उनको क्या अभिशाप दिया, मेरे बाद में मेरे सिंहासन में तुम्हारी कोई अधिकार नहीं। बोले कोई जरूरत नहीं सिंहासन की, ये तो माया है, हैं? ये तो कुछ दिन बाद में छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम तो ठाकुर का चरण की सेवा चाहते हैं। इसलिए ठाकुर जी इतने खुश हो गए, और ठाकुर जी इसी वंश में, ठाकुर जी जद्दुवंशी रूप में ठाकुर जी जगत में आए। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, बोले तत्रा सेन अवतीर्णस्य, लेकिन इनकी वंश में ठाकुर जी अंश रूप में प्रकट हुए, लेकिन पूर्ण रूप में कहाँ प्रकट हुए? उन्होंने श्री गोकुल में नंद के लाला बन करके, इसलिए नंद के लाला की, इसलिए उन्होंने श्री नंद के लाला बन करके उन्होंने श्री गोकुल में उन्होंने जन्म ग्रहण किए। इसलिए श्री श्री परीक्षित महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान की जो कथा है इतने अनंत कथा है, जगत में किसी की हिम्मत नहीं भगवान की कथा को कोई गान करे। अनंत देव भी अनंत मुंह में अनंत समय से अनंत कथा को गान कर रहे, लेकिन अभी भी कथा को उन्होंने था नहीं पाए। इसलिए भगवान की कथा हमें जो कुछ हो सकता है यथा संभव आप कथा सुनाओ, लेकिन यहाँ पर कहते जितना दूर हो सके हमें विस्तृत रूप में भगवान की कथा सुनाने का कोशिश करो। इसलिए तब उन्होंने भगवान कथा की क्या महिमा, तब यहाँ पर एक श्लोक में वो वर्णना करते हैं, बोले निवृत तस्य रूप गीयमानात् भव औषधच्छत्र मनोभिरामात् कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत बिना पशुनाथ। तब ये श्लोक को सबके सब याद कर लेना। ये कृष्ण कथा की क्या महिमा है? कृष्ण कथा की अलग 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 नाम है। गोपियों ने कृष्ण कथा को क्या बताए? तव कथा मृतम तप्त जीवन कभी भी गोपियां कृष्ण कथा कहते हैं, श्याम सुंदर तुम्हारी कथा नहीं तब कथा अमृतम, तुम्हारी कथा को अगर कोई पान करे तो जगत में वो अमरत्व को प्राप्त हो जाता है, हैं? और श्री कहते गोपियां तो अमृत बताए, कहते सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं कृष्ण कथा किया? बोले निवृत तस्य भव औषध, वो कहते भव रोग का जो बीमारी की जो अच्छा दवा भगवान की कथा। और श्री कपिलदेव भगवान कृष्ण कथा को क्या कहते हैं? रसायन। इसलिए कौन सा श्लोक है बोलो? हाँ, इसलिए सतांग प्रसंगात मम बीज संबित भवंत हृति कर्ण रसायन कथा। यहाँ कपिलदेव कहते बोले माँ ये जो कृष्ण कथा है ना ये क्या है? बोले ये रसायन। रसायन किसको कहते हैं? बोले 10 तरह का जड़ी बूटियों से बनता है, अगर उसको कोई पान करे ना शरीर का सब बीमारी खत्म हो जाएगी।
और शरीर एकदम तुम्हारी हृष्ट पृष्ट हो जाएगी। इसका मतलब है अगर कृष्ण कथा अमृत को कोई पान करेगा तो हमारी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। और भक्ति जगत में एकदम बलवान, भक्ति जगत में हृष्ट पृष्ट हमें प्राप्त होगा है। इसलिए भागवत में कृष्ण कथा को सब अलग 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 नाम बताए। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये कथा कैसे हैं, बल्कि जो कृष्ण कथा है भव औषध छोत्र मनोविरामा, ये भगवान की जो कथा है भव रोग के अगर सबसे बढ़िया कोई बीमारी है ना, बल्कि भगवान की कथा है। इसलिए और कुछ करने का जरूरत नहीं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बोले परीक्षित तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, क्या करो बैठो और कृष्ण कथा ही सुना। कृष्ण कथा सुनते सुनते जब तक तुम्हें ये अनुभूति नहीं होगी हम संसार से पार होकर के ठाकुर जी के पास में नहीं पहुंच गए तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। इसलिए सचमुच से श्री परीक्षित महाराज कथा सुनते 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 उनको गोलोक वृंदावन से रथ आया और उन्हें बड़े सुंदर एक सखी की राधा रानी की एक सखी के रूप धारण करते हुए रथ में बैठे और भूर भूव मोह जन सबको पार होते हुए कहाँ पहुंचे, ठाकुर जी के पास में चले गए। इसलिए यहाँ पर कहते जो कृष्ण कथा है ये दवा है। इसलिए यहाँ पर परीक्षित महाराज कह रहे हैं कहते ये हम लोग संसार रोग के सब हम बीमारी है, सबके सब रोग ग्रस्त है, हमारे अहोभाग्य है जीवन में हमें श्री सुखदेव गोस्वामी जैसा हमें वैद्य मिला, डॉक्टर मिला है, बड़े सुंदर हमें डॉक्टर मिला, सद वैद्य है। इसलिए कृष्ण कथा ये क्या है, बोले बड़े से बड़ी बीमारी को ये नष्ट करने वाले ये कृष्ण कथा है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं आप कह रहे हो भव औषध छोत्र मनोविरामा, ये भाव रोग की दवा है। अक्सर करके जो दवा होता है आप लोग एलोपैथिक दवा खाए होंगे, बड़े कड़वी होते हैं, इसे झट करके मुंह में डाल करके पानी लेकर सटका देते हैं, क्यों बड़ी कड़वी होती है। तब यहाँ पर बताए आप कह रहे हो ये भवरों के दवा है, क्या कृष्ण कथा क्या ऐसे कड़वी है, बोले नहीं कड़वी नहीं, बोले खरे बोले स्वत्र मनोभिरामात, ये जो कृष्ण कथा कान और ये मन को बड़ा आनंद देने वाले, बड़े सुख देने वाले। इसलिए तभी तो आप लोग घर बार छोड़ कर क्यों आए हो, यहाँ दो दो घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा क्यों बैठते हो, घर में क्या नहीं मिला आनंद है, हैं? इसलिए फिर यहाँ पर क्यों आए हो, बोले भगवान की कथा। अब देखना जितना समय भगवान की कथा में बैठो ना, अब कहाँ पर बैठो, ठाकुर का गोद में बैठो, ठाकुर की धाम गोलोक वृंदावन में बैठे हुए हो, हैं? गोलोक वृंदावन में यहाँ पर बैठे हुए हो, जितना समय तक यहाँ पर बैठे हो कितने आनंद और शांति में। केवल ये गेट को पार करो, केवल ये गेट को पार करो, गेट को पार करते घर में जाने पर बहू को साथ में बनती नहीं, पति को साथ में झगड़ा, घर में ये नहीं है, उसको साथ में लड़ाई, घर में ये अनर्थ है, घर में ये अशांति, सौ बीमारी, केवल ये गेट पार करते ही सारे संसार का जितना दुख पहाड़ जैसे सर को पर आकर बैठेगा। लेकिन जब तक यहाँ पर बैठे हो आपको किसी कोई दुख कष्ट कोई याद है, कोई याद नहीं। इसलिए कहते भगवान की, इसलिए इसका नाम क था, क मतलब होता है रस, था मतलब होता है हमें जो कृष्ण भक्ति रस में जो स्थापन कर दे, उसमें जो हमें प्रतिष्ठित कर दे, ये कथा है, है? इसलिए कहते हैं ये श्रोत श्रोत कान और जो हृदय को ये बड़ा आनंद देने वाली ये कृष्ण कथा है। इसलिए श्रोत मनोविरामात, इसलिए यहाँ पर कहते बोले उपगीय मानात है, कहते ये जो कृष्ण कथा को कौन कौन पान किए हैं, कहते यहाँ पर कहते निवृत तस्य रूपगीय मानात, जो संपूर्ण रूप में संसार से निवृत हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं, जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी, जैसे चतुसन, ये संसार का माया मोह से ये संपूर्ण रूप में मुक्त हो चुके थे संपूर्ण रूप में, लेकिन कृष्ण कथा में इतने आनंद इतना रस है। ये सुखदेव गोस्वामी कहते परिनिष्ठित फिर नरगिर्ण ऊतम श्लोक लीलया, ये जो सुखदेव गोस्वामी एक होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान, लेकिन सुखदेव गोस्वामी का विज्ञान की अनुभूति थी, वो संपूर्ण रूप में ब्रह्म में परिनिष्ठित थे, हैं पूरा ब्रह्म में लीन होते हुए थे। लेकिन जब उनके कान में केवल एक श्लोक, कृष्ण कितने
सुंदर है। जब एक श्लोक इनकी कान पड़ा ना, सारे ब्रह्म ज्ञान ध्यान को उन्होंने छोड़ दिए और छोड़ करके निकल करके आ गए। बोले इतने सुंदर जगत में कोई है क्या, इतने प्यारे हैं, हैं? इसलिए कहते जो संपूर्ण रूप में संसार से निवृत्त तृष्ण है, ऐसे व्यक्ति भी क्या करते हैं, भगवान की कथा को भी गान करते हैं। कुर्बन अहित की भक्ति हितम भूत गुणहरी, भगवान की कथा में इतने रस है, ये लोग भी कृष्ण कथा को गान करते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते वक्ता और श्रोता ये दोनों को ये आनंद देने वाले ये कृष्ण कथाएं, लेकिन होने पर भी यहाँ पर कहते हैं जो वक्ता को जितना आनंद मिलता है ना, श्रोता को उसको डबल आनंद मिलता है। हाँ, इसलिए श्रोता को जितना फल है वक्ता को उसका डबल फल है, क्योंकि जैसे कथा सुन रहे हो सकता है कोई शरीर से यहाँ पर बैठे हुए लेकिन घर का चिंतन करते हो, अरे टाइम हो गया अभी महाराज कथा खत्म नहीं कर रहे हैं, रोटी खाने का समय हो गया, अभी जा करके घर में रोटी बनाना है, बच्चों को रोटी देना है। हाँ, इसलिए चिंता मत करो, आज आपको यहाँ प्रसाद खिलाएंगे, आप कोई चिंता मत करो, आपको यहाँ प्रसाद आपको खिलाएंगे, अभी 5 मिनट हम कथा को विश्राम कर देंगे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बोले श्रोता और जो वक्ता ये दोनों को कहते जो कृष्ण कथा दोनों को ये आनंद देने वाले। इसलिए आगे में जाकर कहते हैं बोले वसुदेव कथा प्रश्न पुरुषाम स्त्री न पुनाति वक्तारम प्रच्छकम सोत्री तत्पाद सलिलम यथा, इस लोगों को नोट कर देना। कहते जो कृष्ण कथा है क्या करता है बोले ये तीन व्यक्ति को ये पवित्र करती है। उदाहरण दिया जैसे तीन गंगा है, कहते आकाश में जो गंगा जिसका नाम मंदाकिनी, कहते वो क्या करती हैं, ये आकाश में देव लोगों का कल्याण करती हैं। कहते इसी मर्त्य जगत में एक गंगा जिसका नाम भागीरथी, भागीरथ ने लाए, इसलिए वो क्या करती हैं ये जगत में हैं, ये जगत लोगों को कल्याण करती हैं। कहते एक गंगा है पाताल में एक गंगा जिसका नाम भोगवती, वो क्या करते पाताल लोगों की पवित्र करती हैं। कहते उसी तरह जैसे ये तीन गंगा तीन लोगों को पवित्र करती हैं, कृष्ण कथा भी तीन लोगों को पवित्र करती हैं। बोले किसी को बोले वक्तारम जो कथा बोलते हैं उनको भी कृष्ण कथा पवित्र करती हैं। बोले प्रच्छकम जो प्रश्न करते हैं उनको भी कल्याण करती हैं। बोले श्रोत्री जो कथा श्रवण करते हैं उनको भी कृष्ण कथा, तीनों को ये कृष्ण कथा कल्याण करती हैं। इसलिए कहते ऐसे जो कृष्ण कथा इतने सुंदर कृष्ण कथा जिन कथा को सुन करके सबकी कल्याण करने वाले, लेकिन ये कथा से हैं विरत कौन होते हैं, ये कथा को कौन सुनते नहीं। कहते जो पशु घनाती जो जानवर को मारने वाले जो व्याध होते हैं हैं जो बहेलिया होते हैं ये कृष्ण कथा में इनकी रुचि नहीं। कहते जो कृष्ण कथा नहीं सुनते हैं अच्छी उसको बहेलिया सबके सब जानवर को मारने वाले सबके सब ये बहेलिया सबके सब जो कृष्ण कथा को नहीं सुनते। तब यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते हैं, कहते बिना पशुघ्नात ये असली जो पशुघातनी कौन है, बल्कि जो लोग भगवान की सेवाओं को छोड़ करके क्या चाहते हैं हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। बोले स्वर्ग क्यों जाना चाहोगे, बोले वहाँ पर सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं रंभा उर्वशी मेनका है उनको साथ में रहेंगे विहार करेंगे नंदन कानन में घूमेंगे पारिजात पुष्प है खूब भोग है हम स्वर्ग लोग जाएंगे। कहते ये सबके सब पशुघ्नाती है जो कि भगवान की सेवाओं को छोड़ करके ठाकुर जी के चरण की सेवा छोड़ करके अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए कहाँ जाना चाहते हैं स्वर्ग जाना चाहते। भैया स्वर्ग में भी इतना शांति सुख नहीं, इंद्र ही कितना बार जानवर की स्वर बन गया हैं, इंद्र भी कभी स्वर बना इंद्र कभी स्वर बना कभी अभिशाप ग्रस्त होकर पता नहीं कहाँ भक्त रहा कहीं कमलनाथ में जाकर अंदर में कितना साल तक छुप करके रहा कितना बार गुरु जी के अपमान किया तो पता नहीं क्या दुर्गति उनको भी। कोई अगर यहाँ तपस्या करना शुरू कर दे ना क्या होता है पहले तो इंद्र का आसन ही डगमगाने लग जाता है सबसे बड़ा डरपोक कौन है क्योंकि इंद्र है सब जब इनकी राजा होकर डरपोक पर देवता लोग क्या नहीं होंगे। इसलिए स्वर्ग अमृत पान करने से क्या होता है पुण्य खत्म होती है लेकिन कृष्ण कथा अमृत को पान करने से पुण्य क्या होता है बढ़ती है हैं बढ़ती है। स्वर्ग अमृत पान करने से क्या होता है वहां से पतन होता है लेकिन कृष्ण कथा अमृत पान करने से ऊपर में जाते हैं।
इसलिए कहते कृष्ण कथा को सामने जगत का कोई भी वस्तु को हम कृष्ण कथा को सामने हम बराबर नहीं कर सकते। कहते स्वर्ग तो पुण्य करके स्वर्ग जा सकते हो, लेकिन इस स्वर्ग में इसे कोई कर्म नहीं, फिर करके आप फिर मानव शरीर पा सकते। तो पता नहीं स्वर्ग के बाद में कौन सा जीवन में जाना पड़ेगा, वो एक पोस्ट है, एक एक वो पोस्ट है एक एक ही। इसलिए कहते जो व्यक्ति धर्म अर्थ और काम ये त्रिवर्ग के लिए अपना जीवन कुछ बिताते हैं, पैसा कमाओ दान पुण्य करो और स्वर्ग भोग कर फिर वहां से पतन हो जाओ, कहते यही लोक ही सबके सब ब्याद है बहेलिया, यही लोक सबके सब यही लोक बहेलिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर कहते हैं, इसलिए यहाँ पर श्री परीक्षित महाराज कहते हैं, कहते हे सुखदेव गोस्वामी हमें तो भगवान कृष्ण कथा सुनाओ। क्यों? जो कृष्ण है ये हमारी कुल देवता, जिन्होंने मातृगर्भ में हमें रक्षा किया और कृष्ण कृपा से ही, हाँ जिस समय ये महाभारत युद्ध हुई वो कहते हैं ये भीष्म इतने पराक्रमी थे, आप लोगों ने रामायण महाभारत देखे होंगे, अपना गुरु कौन था, उनका गुरु का नाम क्या था, परशुराम। जब उन्होंने युद्ध किया परशुराम भी परास्त होंगे, इतने पराक्रमी थे, कहते स्वर्ग का देवता भी भीष्म के सामने खड़े नहीं हो सकते थे, इतने पराक्रमी भीष्म थे। लेकिन इतने बड़ा भीष्म को भी यहाँ पर परीक्षित महाराज कह रहे हैं, लेकिन मेरे जो पिताजी के जो पिता है एक अर्जुन है, केवल कृष्ण कृपा से जैसे गैया का खुर में जितना पानी है उसको जैसे हम आसानी से पार हो जाते हैं, ये महाभारत को पार होना बड़ा कठिन था। द्रोणाचार्य जी कोई साधारण थे? जब तक इनके हाथ में धनुष है पृथ्वी में कोई जन्म नहीं लिया कुछ परास्त कर सकते थे, इतने पराक्रमी थे, लेकिन केवल कृष्ण कृपा से ही गया का खून को जैसे पार कर जाते हैं। मेरे पिताजी के जो पिताजी थे उन्होंने ऐसे ही, मेरे पंच पांडव ऐसे ही उन्होंने पूरा महाभारत युद्ध को पार हो गए, किसकी कृपा से पार हुए, केवल कृष्ण कृपा से ही पार हुए, ये ठाकुर जी का ही आशीर्वाद था। इसलिए ऐसे जो कृष्ण कथा है हमें कृष्ण कथा हमें सुनाते रहो। फिर एक और एक प्रश्न करते हैं, बोले रोहिण्यास्तने प्रोक्ता राम शंकर सणस्तया देवक्या गर्भ संबध कुत देहांतरम बिना। और एक प्रश्न किया, आप तो कह रहे हो जो बलदेव प्रभु कौन है, रोहिणी कदी, ये रोहिण्यास्तनयो ये रोहिणी की बेटा, बलदेव प्रभु रोहिणी का बेटा, फिर आप दो बार कहते हो ये देवकी की बेटा है, कैसे संभव है एक व्यक्ति दोनों का बेटा कब बन सकता है, जब शरीर छोड़े एक का बेटा बना, शरीर छोड़ने के बाद फिर और के बेटा बन सकते हो, लेकिन बिना देहांतर तथा बिना देहांतर के बगैर शरीर के छोड़े बगैर एक व्यक्ति दो व्यक्ति का बेटा कैसे बन सकता है, ये दो व्यक्ति का बेटा कैसे बन सकता है, आपने बताया बाद में सुनेंगे, पहले ये देव की गर्भ में, पहले ये देव की गर्भ में आए हैं, हैं देवकी गर्भ में, फिर इनको आकर्षण करके फिर उन्होंने रोहिणी गर्भ में स्थापन किया, उन्होंने ये एक साथ में बिना देहांतर के बगैर ये बलदेव प्रभु दोनों का बेटा कैसे हो सकता है, इसलिए कृपा करके अब ये कथा भी हमें कृपा करके सुनाओ। फिर क्या सुनाओ, कृष्ण कैसे मथुरा में प्रकट हुए, फिर कैसे कहे गोकुल में गए, फिर उन्होंने गोकुल में जा करके कैसे सुंदर सुंदर लीला की, फिर उन्होंने मथुरा में कैसे गए, मथुरा से फिर द्वारका में कैसे गए, इसलिए ठाकुर जी क्यों किस लिए गए, आप कृपा करके हमें ये सारी कथा सुनाने का आप कृपा करो। जब उन्होंने ये प्रश्न की तब श्री सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न हो करके फिर यहीं से कृष्ण कैसे प्रादुर्भूत होते हैं, फिर यहीं से वो कृष्ण कथा बोलना शुरू करते हैं। फिर हम कल से ये कृष्ण कथा कल से हम सुनेंगे, यहीं से कैसे कृष्ण कथा प्रारंभ होता है। हमारे कुछ प्रसाद है ना, हाँ प्रसाद हो जाएगा कि दोड़ा में देंगे ना कि प्लेट में दे सकते, हाँ देख, हाँ थोड़ी थोड़ी सब प्रसाद थोड़ी थोड़ी लेकर ले जाना, ठीक है, हाँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे
जो याद है उसको बोलो। जय राधा माधव I
जय श्री गौर भक्त वृंद की जय। बड़ो तबा